और जो मैंने होमवर्क दिया था वो सारी थियरी भी मैंने यहाँ पे हाँ डाली हुई है, सारी की सारी की। मैंने जो भी बताया था कि फॉर्मूलास क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारे फंक्शंस हमने लिखे। फिर मैंने ये कॉमन जो कैलकुलेटर में यूज करते हैं वही चीज हम कैसे एक्सेल में यूज कर सकते हैं वो भी मैंने बताया था। ठीक है, अब पहला था कि ये टेबल जो मैंने बनाया था वो टेबल आपको वहां पे पेस्ट करना था। या ठीक है, हाँ, कौन सा तो टेबल, ये वाला टेबल हाँ, ऊपर अगर वाला आप ना? पेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, आप बिकॉज मैं जब एक्सरसाइज बना रही थी तब मैं वर्ड पे काम कर रही थी, दैट इज माय मिस्टेक। मैं रियलाइज नहीं किया कि मैं ये पेस्ट आप नहीं कर पाओगे हाँ शायद। ओके, ये वाला टेबल कर किया हमने। हाँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, बाद में वो आपको दिखाती हूँ। तो मैं बात करती हूँ टेबल के साथ और आपको एक्सेल दिखाती हूँ। तो ये रहा टेबल, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस वाजंट देयर, दिस वाजंट देयर, एंड दिस वाज इन द मिडल समवेयर। या राइट, हाँ ठीक है, सही है, और दिस वन वाज डेट फॉर्मेट। हाँ तो मैं राइट, पहले जो था वो कर देती हूँ, ऐसा था पहले। सही है। ठीक है, तो पहला था एक्सरसाइज, कट कॉलम क्वांटिटी प्राइस पेस्ट इंसर्ट एज लास्ट कॉलम। द रीजन व्हाई आई पुट इंसर्ट, इफ आई कट दिस और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करती हूँ तो यू विल हैव ब्लैंक कॉलम। तो इसकी जगह पे मैंने इंसर्ट लिखा कि ताकि यू कैन, हिंट दिया मैंने कि यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इंसर्ट कट सेल्स, ये इंदु जी ने बताया था इसलिए मैंने यूज किया। हमने तो समझे? कट और पेस्ट किया। बट यस, यू आई थिंक यू सेड टू इंसर्ट अ कॉलम। नो, आई सेड कट कॉलम क्वांटिटी एंड प्राइस टू पेस्ट एंड इन ब्रैकेट इंसर्ट एज लास्ट टू कॉलम्स। सो एज यू कैन सी, कट कॉलम क्वांटिटी प्राइस। हाँ ये वाला, या यस। तो ये हो गया। उसके बाद है मल्टीप्लाई क्वांटिटी एंड प्राइस फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल्स बाय एडिंग द टाइटल कॉलम टोटल सेल, सेल। ठीक है, बेसिकली अच्छा यू आपको करना था ये टाइम्स ये। या अच्छा, ये मेरी पहले जो मैंने किया था ना, इसलिए इसका कंटेंट ऐसे डॉलर में आ रहा है, बट फॉर यू गाइस इट विल कम अप एज नॉर्मल सेल। सॉरी, मैं इसको जनरल बनाती हूँ, ऐसे आएगा जब आप करोगे तब ऐसे आएगा सिंबल के बिकॉज। साथ, हाँ ठीक है, और मैंने मगर लिखा था लेना कि चाहिए। सॉरी, मैंने मैंने डॉलर साइन उसको अप्लाई किया था करने के बाद। हाँ, मैं स्टेप वाइज हाँ जा रही हूँ बिकॉज मेरा फॉर्मेटिंग ऐसा है ना, इसलिए वो ऑलरेडी डॉलर आ रहा था, तो हाँ मैंने ये अप्लाई किया कि जो आपको दिखेगा आपकी स्क्रीन पे। तो ये कॉपी फॉर्मूला मैंने सारे में ड्रैग की। आपको इंदु जी ने ये भी बताया था कि इसको सिलेक्ट ट्रैक करके करना जो है, छोटा राइट। स्टोन ट्रैक करना है, और ये पूरा सिलेक्शन है। उसके बाद मैंने लिखा है डॉलर कि साइन, डॉलर साइन एंड वो विदाउट डेसिमल्स, डेसिमल्स। हाँ ये समझ में आया, ये ठीक विदाउट है। डेसिमल, या नाउ आई हैव सेड अप्लाई फिल्टर्स, नाउ यू कैन हाँ ईदर राइट, सिलेक्ट द टेबल और यू कैन ऐड, गो टू डाटा, और सॉरी इज हियर एज वेल। नाउ या फिल्टर, फिल्टर, या यहाँ पे सारे की जगह पे एरोज आ गए। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सॉर्ट ऑल डाटा बाय आइटम कैटेगरी। नाउ यू गॉट आइटम कैटेगरी है, ऑप्शन टू सॉर्ट, इधर यू या कैन सॉर्ट बाय ऑटोसम, इट दिस सॉर्ट एंड हाउ वो आइटम कैटेगरी। अच्छा, ठीक है, और यू कैन गो एंड क्लिक हियर एंड गो सॉर्ट ए टू जेड, एंड द होल टेबल विल गेट सॉर्टेड बिकॉज यू गॉट द फिल्टर अप्लाई, देन फिल्टर कैरीज एवरी डाटा टुगेदर। ठीक है, नाउ आई सेड एड बिलो, सो बिलो डाटा, यहाँ पे बिलो द डाटा एड सम ऑफ क्वांटिटी। तो इधर यू कैन टाइप दिस वन सम, सिलेक्ट द रेंज, और यू कैन अल्टर टैब, इट्स द सेम थिंग बट यू स्टिल हैव टू सिलेक्ट द डाटा। तो बेसिकली दैट वाज द वे, यू कुड हैव डन ईदर वे।
then get count for each item. Sorry. मैं बीच में एक लाइन पढ़ना भूल गई कि जहां पे मैंने लिखा था कि apply below table into one of the cell. So जो ये टेबल है ना मुझे अप्लाई करना है. Now because I can't do that on PDF, I am going to type. See, when I said J1, doesn't matter, you can do it anywhere. So I'm going to do count and average. So TV, washing machine. ठीक है. तो ये सेम शीट में ही करना था क्रीना जी. मैंने दूसरी शीट पे किया इसको क्योंकि मुझे कोई नहीं. Let me go there because बाद में है कि आपको दूसरी शीट में लेके जाना है. But one at a time. तो अब क्या करना है कि get this sum of quantity by each item. ठीक है. तो आपने आइटम को ऑलरेडी सॉर्ट करके रखा है. ठीक है. आपको पता है डिश वॉशर यहाँ है, ग्राइंडर यहाँ है. तो गेट सम ऑफ डिश वॉशर आई मीन टीवी. सॉरी दिस वन इज टीवी. सो टीवी इज फ्रॉम डी 12 टू डी 16. लेट मी मेक दैट लिटिल बिगर इफ यू कैन सी. So yeah. Same thing, I need to do count and then count TV. You can count this one or you can count this one because wo number count karta hai. So I am saying count TV, so I'm counting TVs. I didn't say count quantity or TV. So I'm counting TV. Sorry, my formula is wrong or what? Actually, I think maine bhi ye kiya tha jab maine number pe kiya na. तब वो ले रहा था पर एडिट टीवी नहीं लिया. टीवी पे लेना चाहिए काउंट तो. हां मतलब दिस इज सेम थिंग हैपेंड विद मी आल्सो एक्चुअली. तो एवरेज इज वो टोटल चाहिए या खाली कितने टीवीज हैं वो चाहिए. नंबर ऑफ काउंट मतलब काउंट करेगा कि कितनी बार रिपीट होता है. तो 5 आने चाहिए. हां मेरे में 5 है इसलिए. किसी किसी में 4 है. जो पहली एक्सरसाइज जिसने सही की है उसमें 5 आते हैं. किसी में 3 आते हैं. सो सेम लॉजिक यू हैव टू अप्लाई फॉर वॉशिंग मशीन. मैं एक और करके दिखाती हूँ. सॉरी सम ऑफ वॉशिंग मशीन गो एंड गेट वॉशिंग मशीन का सम. ये दूसरे पेज में नहीं आएंगे. उसी पेज में करेंगे तो आएंगे. ठीक है. अब एक्सरसाइज 2 है. अब मैं सारा नहीं कर रही हूँ. इतना करके बाकी समझ में आ जाएगा ना कि रेफ्रिजरेटर का और वो सब कैसे करना है. हाँ ठीक है ना. अब है एक्सरसाइज 2. इंसर्ट अ कॉलम बिटवीन डेट एंड आइटम कैटेगरी. तो डेट सॉरी ये मैंने डिलीट करना था. सॉरी. सो ये ओरिजिनल टेबल. तो इंसर्ट अ कॉलम बिटवीन डेट एंड आइटम कैटेगरी. तो कॉलम सी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंसर्ट करना है. देन यू कैन गेट अ कॉलम इन बिटवीन. ठीक है. और है कि टाइप ऑफ फॉर्मूला टू हैव ऑर्डर नंबर आइटम एंड स्टोर नेम टुगेदर एज वन इंफॉर्मेशन. तो उसकी फॉर्मूला बताई थी. तो उसमें है आइटम सॉरी ऑर्डर नंबर देन सेकंड टेक्स्ट इज आइटम कैटेगरी स्टोर नेम. ओप्स सॉरी आई गॉट नेम इंस्टेड ऑफ कॉमा स्टोर नेम एंड सबब है ऑर्डर नंबर आइटम एंड स्टोर नेम. सो E2 बाद में आएगा. पहले आइटम एंड देन स्टोर नेम. इसमें कॉलम नहीं आता. अच्छा हाँ अगर आपको जैसे अपीयर करवाना है ना. इफ यू रिमेम्बर इंदी जी ने बोला था कि अगर आपको बीच में कॉमा आना है तो यू कैन ऐड एज. ऑलराइट राइट देखा इनवर्टेड करके. हाँ तो ये फॉर्मूला आप देखो. Yeah.
when you drag and drop, ये आपका मर्ज कॉलम आ गया. That is exercise two. Change the date format to MMYY. Select the date. Right click. Go to format cell. Yeah. Go to custom. And नीचे है MMM. And आपको चार Y चाहिए, दो Y चाहिए. चार होगा तो 2021 आएगा या तो 21 आएगा. Yeah. अगर फॉर्मेट सेल में अगेन इफ आई गो एंड से आई डोंट वांट दैट स्लैश इन बिटवीन, आई वांट डैश इन बिटवीन, विद डैश. सही यहां तक? एनी क्वेश्चन? या आई डिड द सेम, थैंक यू, दैट्स करेक्ट. ऑटो फिल द हाइलाइटेड सेल विद मंथ नेम. सो यहां पे मैंने लिखा था वो टेबल में कि मंथ डालो और फिर ऑटो फिल करो हॉरिजॉन्टली. जैसे ये मैंने कॉलम हाईलाइट करवाई थी यहाँ पे कि मंथ सेल और ये हाईलाइटेड कॉलम में ऑटो फिल करो मंथ. तो यहाँ पे जन 21 फेब. और इफ यू रिमेम्बर इंदुजी ने भी बताया था कि ऑटो फिल में यू नीड एटलीस्ट टू कंडीशंस, अलग टू इन अ सीक्वेंस. या जन हाँ, सो जन और फेब दोनों लिखो. ठीक है, एंड देन सिलेक्ट बोथ. ये छोटा सा स्क्वायर सिलेक्ट करो, गो ड्रैग. ठीक है, उसके बाद है टानिया क्वेश्चन पूछ रही है. सेल, हाँ बोलो रीना. टानिया, यू कैन अनम्यूट एंड टॉक. तानिया निकाल दिया हाथ. निकाल दिया, सो डोंट वरी. सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गया एक्सरसाइज मेरा. हाँ, नेक्स्ट क्या है एक्सरसाइज टू में. एड टोटल सेल बाय फॉर्मूला फॉर ईच मंथ. ठीक है, तो अब मैं वापस यहाँ पे जाती हूँ. I'm gonna sort by oldest to newest. तो मेरा सारे सितंबर साथ में आ गए, अक्टूबर साथ में आ गए, नवंबर साथ में आ गए. ठीक है, अब मेरा सितंबर में है तो I'll go here, find सितंबर. सितंबर का सारे का सारा मुझे टोटल सेल लेना है ना. साथ में पढ़ो ना, टोटल सेल फॉर्मूला बाय ईच. So September is for first 4, then I'm taking first 4. That is my process. Again, that is the same way. Just gonna minimize little bit so I can see more on my screen. थोड़ा छोटा करती हूँ. हाँ, जैसे अक्टूबर का है तो सम अक्टूबर इज फॉर नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5. सो फ्रॉम 6 to 10. Yep. So that is how you need to continue up to January 22. ठीक है, और मैंने बोला था कि डिलीट जो जिसपे सम नहीं है, जो मंथ में ट्रांजेक्शन नहीं हुए. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि सितंबर से ही शुरू होता है, जनवरी 21, फरवरी 21 का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो मैंने बोला था उसको डिलीट करो. अगेन यू नीड टू यूज द डिलीट फंक्शन. ये मैंने इसलिए डाला था ताकि देर आर टू वेज ऑफ डिलीटिंग. इंदू जी ने सिखाया था कि यू कैन इधर सिलेक्ट द डिलीट की फ्रॉम योर कीबोर्ड ऐसा. ठीक है, और दूसरा था कि राइट क्लिक एंड डिलीट. Then it will ask you this question कि आपको डिलीट करके क्या करना है. तो ये जो लेफ्ट का सेल्स है उसको मुझे यहाँ पे लाना है.
अब दूसरी एक चीज, मैं आपको बोला भी था कि जो नोटिस करो वो मुझे बताना. अब जैसे लॉजिकली मैं इसको करती हूँ तो सितंबर तो आ गया पर मेरा सम नहीं आया, ठीक है ना. तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे लॉजिकली ये दो सिलेक्ट करके सबमिट करना है, उसको डिलीट करना पड़ेगा, तो वो इंफॉर्मेशन भी साथ में आएगी. मैं ज्यादा इसीलिए नहीं बताया कि ताकि आपको खुद को एक्सप्लोर करने का चांस मिले, समझे. तो ये था अपना सम और मिन मैक्स तो आपको पता ही होगा. राधिका जी, यू हैव अ क्वेश्चन सो यू कैन अनम्यूट. हाँ, ये मिन मैक्स वाला मुझे आई आस्क्ड यू यस्टरडे क्रीना, आई कुडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट डू दैट, आई वांट टू सी. हाँ राधिका का, राधिका या हाथ ऊपर है राधिका. अब मुझे लगता है कि मैं आ रही हूँ ऐसा बोल के चले जा रहे हैं, रुको मैं आ रही हूँ. अच्छा तो मिन का है, एक मिनट मैं पढ़ती हूँ कि मैंने क्या लिखा है कि खो जाती हूँ यार अपनी एक्सरसाइज में. कहाँ है मिन मैक्स वाला एक्सरसाइज टू? ऑटोफिल किया, डिलीट द मंथ्स किया, कंट्रोल एफ करो क्रीना. चलो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे बता देती हूँ. मुझे पता है टोटल सेल का मिन मैक्स करना था, ठीक है ना. टोटल सेल, अच्छा द मिनिमम द मोस्ट लीस्ट नंबर हैज टू कम इन मिन. हाँ राइट. Is it? हाँ मैंने वैसे ही किया था. नहीं बत्ती जल रहा है थोड़ा थोड़ा. मुझे सिर्फ यही है कि टोटल सेल का करना था कि किसी और चीज का करना था, क्योंकि आपने मैक्सिमम का एक एग्जांपल दिया था उसमें, तो उसमें आपने वैसे किया था. मिन मैक्स एक मिनट. मैं एक काम करती हूँ, मैं लाइन पे ही जाती हूँ. ये ऑटोफिल हो गया, उसके बाद एक्सरसाइज थ्री है, एक्सक्लूडिंग द एक्चुअल टेबल कट एंड पेस्ट इंफॉर्मेशन टू अ न्यू टैब. तो ये एक्चुअल टेबल है आपका, बाकी की इंफॉर्मेशन आपको कट पेस्ट करनी थी. अब देखो ये अगर मैं कट करती हूँ, ये नंबर्स पे ध्यान देना, अगर मैं कॉपी और नई टैब खोल के पेस्ट करती हूँ तो क्या होता है देखो. The numbers become reference because it is not identifying the addresses. Copy और paste हुआ इसलिए, ठीक है. अब मैं इसको cut करती हूँ, यहाँ से ये cut मैंने किया और then I am going to paste. तो क्या हुआ? Numbers. So you can have the references. See now that I too यहाँ पे देखो, फिर से मैं वापस जाती हूँ वहाँ पे data sheet में. It is only I2 to I5. Okay. Now if I cut paste, it becomes data I2 to I5. So Excel अपने आप उसको modify करता है कि ये कहाँ पे था, उसको address उसका remember करता है वो. अगर वो चीज मैंने copy paste की तो उसमें नहीं किया, क्योंकि उसको मैंने आके ए में पेस्ट किया तो उसको अब वो मिला नहीं आई. तो इसलिए उसने रेफरेंस दिया कि आई कांट फाइंड द एड्रेस. कट पेस्ट में उसको एड्रेस याद रहा, वो रखता है. इट कैरीज अवे. तो रीनेम द न्यू टैब विथ समरी, तो वो भी आपको सिखाया था. इधर यू कैन डबल क्लिक और यू कैन राइट क्लिक एंड रीनेम. So rename the original tab as data. Sorry, mera already tha. So, then create a new tab for next class. And so hide, creating a new class as a next class. Oh, ye maine isliye kiya ki you can see. Oh, mera already hidden hai. Right.
तो नाउ आई नीड टू हाइड इट, सो राइट क्लिक एंड हाइड अगेन. सो नाउ डिजाइन योर टेबल द वे यू प्रिफर. अगेन सिलेक्ट योर डाटा और क्लिक एनीवेयर, गो एंड फॉर्मेट अ टेबल, डिजाइन अ टेबल वे यू वॉन्ट. माई टेबल हैज हेडर्स. द थिंग इज, किसी किसी लोगों ने मुझे होमवर्क भेजा वो अनटिक था, तो देखो क्या होता है कि अगर आप वो सिलेक्ट नहीं करते तो आपका हेडर्स बन जाता है कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे. और अगर मैं उसको सिलेक्ट करती हूँ, यस आई हैव हेडर्स, तो अपना ये जो रहता है ओरिजिनल हेडर्स वो रहता है. अब है कि गेट सम ऑफ क्वांटिटी एंड टोटल प्राइस, वो तो नीचे लेना था मुझे यहाँ पे. तो अगर मैं कुछ टाइप करती हूँ तो देखो ये फॉर्मेटिंग अपने आप चेंज हो जाता है. ये निंदू जी ने बताया था कि टेबल का बेनिफिट है कि द फॉर्मेट ऑल्सो गेट्स एडेड टू द नेक्स्ट लाइन और कॉलम एज यू एड. हर बार आपको उसको चेंज नहीं करना पड़ता. तो यहाँ पे अगर मुझे लेना है कि सम ऑफ क्वांटिटी, तो एक तो पहले ये नोटिस करो कि ये देखो क्या आ रहा है, टेबल टू का क्वांटिटी. अब वो नहीं आ रहा है कि G1 से G19 नहीं है. ऐसा क्यों? सॉरी इफ आई मिस्ड. बिकॉज़ वी आर इन द टेबल, सो टेबल बिकम्स द रेफरेंस. हां ओके ओके, हमने टेबल बनाया ना. ओके ओके, हां तो इसीलिए मैंने वो बताया था. दूसरा चीज ये देखो कि ये नीचे देखो क्या आ रहा है, ठीक है, फिल्टर आ रहा है. हां ये देखो एवरेज, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, इट बिकम्स एवरेज ऑफ दिस. This get some quantity and total price. वैसे आप ये सारे फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो जो हमने अभी तक फॉर्मूला में सीखे, हम ढूंढ ढूंढ के करते थे. कर सकते हो. एड अ न्यू कॉलम प्रॉफिट. अब मैं यहाँ पे एक नई कॉलम एड कर रही हूँ, प्रॉफिट. कैन यू सी द डिफरेंस? अब मैं यहाँ पे अगर जाके कॉलम एड करती हूँ प्रॉफिट, कुछ होता है? नहीं होता. यहाँ पे देखो, नाउ आई नीड टू गेट फॉर्मूला कि इसका मुझे 5% निकालना है, ठीक है. तो इक्वल्स टोटल सेल टाइम्स 5. नोटिस द फॉर्मूला, टोटल सेल टाइम्स 5. ये देखो एक ही जगह पे मैंने फॉर्मूला एंटर किया, द होल टेबल गेट्स द फॉर्मूला, द बेनिफिट ऑफ द टेबल. एनी डाउट्स? So Krina, you went on the first column and you just typed that formula. आप ऊपर इधर इस स्टेटस बार में आके टाइप किया क्या? नहीं, मैंने कहीं पे भी आप कर सकते हो. यहाँ पे भी मैं आई एम इन द सेल एंड नाउ इफ आई गो इनटू सेल, डालते ना अच्छा कंटेंट है इसलिए उसने नहीं लिया. अगर फॉर्मूला है तो ले लेता, पूरा टेबल ले लेगा. हाँ टोटल सेल टाइम्स 5% नहीं लिखने की जरूरत है, ओनली 5 लिखा है. क्या है फॉर्मूला उसका? टोटल सेल, टोटल सेल टाइम्स 5. ओके, अरे टोटल सेल टाइम्स 0.5, सॉरी 0.05 5/100. मेरा मैथ्स भी भुलवा दोगे. 5/100 ना. हाँ ठीक है, ये 5% हुआ. ठीक है, अब लास्ट मैं देखती हूँ कि क्या है. अच्छा ये टेबल क्रिएट करना है तो फ्रॉम वेयर शुड आई सेलेक्ट? शीट में A2 से सेलेक्ट करना या हेडर्स को भी सेलेक्ट करना है? फॉर्मेट एस टेबल, इट्स नॉट कमिंग अप. एंड B2 दोनों कर सकते हैं. ओके
You can go to insert, and insert should have a table recommendation. Shortcut is control T. I'm trying to do that, and it's this is coming up. This operation is attempting to change. तो कहाँ रखेंगे फिर control T करेंगे इंद्र जी? एक मिनट श्री फिर से पढ़ो क्या मैसेज है, because I guess it is asking you whether you wanna convert it. हाँ convert करो तो. No, this operation is attempting to change a filtered range on your worksheet and cannot be completed. Oh, filter already है table में इसलिए शायद. नहीं उसका ऑलरेडी टेबल होगा. ऑलरेडी टेबल होगा या बिकॉज़ देयर इज अ अच्छा एक काम करो आपके इसमें सिलेक्ट योर डाटा है ना, गो एंड सिलेक्ट योर डाटा लाइक दिस एंड गो इनटू, कैन यू सी दिस टेबल्स इज डिजाइन कमिंग ऑन योर स्क्रीन समवेयर होम टैब में ऐसे ऊपर लास्ट टैब एज अ लास्ट टैब डज इट अपीयर एज अ टेबल डिजाइन. नहीं यार मेरा डिफरेंट है. आई कैन गो इन टू इंसर्ट, आई वेंट इन टू इंसर्ट एंड आई कैन सी टेबल. हाँ तो उसमें एंटर करो, आई मीन सिलेक्ट करो दिस टेबल. अभी तो वो टेबल में मैंने जब क्लिक किया तो ये मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो. नहीं 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 वो टेबल नहीं, सॉरी वो टेबल नहीं. आप होम रिबन में जाओ. आर यू इन होम रिबन? या. एंड कैन यू सी दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड टेबल फॉर्मेट एज टेबल? कौन सा लोगो? हाँ क्लिक ऑन दैट फॉर्मेट एज टेबल. ओके दैट इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर टेबल फॉर्मेटिंग टू क्रिएट अ टेबल. इंसर्ट वाला टेबल इज अ डिफरेंट वन, इट्स बिट एडवांस आई गेस. फिर भी वही आ रहा है, दिस ऑपरेशन इज अटेम्प्टिंग टू चेंज अ फिल्टर्ड रेंज इन योर ऑन योर वर्कशीट एंड कैन नॉट बी कंप्लीटेड. Okay, I'll find out with my daughter. I don't know why it's coming up. मैं तो सिंपल टेबल करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि आई वॉन्टेड टू ट्राई दैट फॉर्मूला टेबल में सम, बट टेबल नहीं हो रहा है. कैन यू क्लियर योर फिल्टर? रिमूव, यू वॉन्ट मी टू रिमूव? या रिमूव द फिल्टर. या रिमूव द फिल्टर. Radhika, you have a question? Yeah, I took them off. Yeah, now you try. Okay. Radhika, you have a question? Yes. मैंने insert में जाके ही table select किया था actually. Yeah, that should be okay. मगर मेरा डेट फॉर्मेट अप्लाई नहीं हो रहा था टेबल पे, लाइक हाफ हो रहे थे, जो डार्क रो है वो हो रही थी, लाइट रो नहीं हो रहा था अप्लाई डेट फॉर्मेट. डिड यू सेलेक्ट कॉलम सेलेक्ट किए आप? सेलेक्ट करके किए? हाँ. इवन देन इट्स नॉट कमिंग इज इट? जी दे ऑटो फिलिंग for the table will happen with formula, not with format. Not with format. You have to select. You have to select all of those and then go to a different formatting. Then you'll be able to change. If I just select one, and then if I try, it's not going to happen for everything. Okay, now I got it. Yay! Party ho jaye. टेबल तो बन गया, उसमें व्हेन आई ट्राइड दैट इट आस्क्ड मी टू टिक दैट बॉक्स माय टेबल हैज हेडर, सो आई टिक्ड इट एंड इट केम. सोना आपकी क्वेश्चन क्लियर हो गई? हाँ जी इंद्र जी. ठीक है ओके. और कौन कौन होमवर्क नहीं किया? कौन कौन किया वो याद है? अटेम्प्ट किया उसके लिए अपना सुमना जी, राधिका, गीता, श्री, काफी लोगों ने वैसे मिन्नी जी, मिन्नी जी ने नहीं किया, नहीं किया इस बार. नहीं किया. गीता इज हैविंग अ क्वेश्चन. गीता जी आस्क
मैंने किया था बट भेजा नहीं बिकॉज आई कुड नॉट लाइक गो फॉरवर्ड विद द सेकंड स्टेप. हां मुझे याद है तुमने किया. मैंने भी ट्राई किया था. सारी कंफ्यूजन इसलिए मैं कर नहीं पाई. ये जो टेबल में मैं नाउ आई वांट टू ब्रिंग द टोटल सम ऑफ द टोटल सेल. हाउ डू आई डू? आई हैव टू सेलेक्ट एट द बॉटम. या सो यू लुक एट माय स्क्रीन. You can select this way. Sum. But I'm not getting that. Okay. You can select, you can type a formula, sum, and then select the range then. No, वो formula वो ठीक है, लेकिन वो जो filter के साथ जो आया ना, down arrow, वो कैसे आएगा down arrow? आपने तो filter remove किया होगा ना श्रीवत. नहीं नहीं ये नीचे different filter है. This is not filter. This is just the suggestions. Okay, this is with the table format, not with the filter. No, filters इसको बोलते हैं, जो column पे रहते हैं उसको filters बोलते हैं. हाँ, but because it looks the same, that's why I've used the same word, filter. उसकी Excel terminology क्या है मुझे नहीं पता, but this is not. These are the filters. These are options. Okay, these options comes only with the table format. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, वो पूरा सेलेक्ट करके जो सेल्स पूरे वैल्यूज के, देन वी कैन गो अप एंड क्लिक ऑन ऑटो सम. यस ऑफ कोर्स. ये जो है यहाँ पे, यू गॉट दैट वन. इन द सेम यू गॉट दिस ऑप्शंस एज वेल. मैंने वैसे ही किया था. यहाँ पे आके अगर मैं यहाँ पे जाके एवरेज सिलेक्ट करती हूँ तो एवरेज आ जाएगी. बट यू कैन सी दैट इट इज पिकिंग अप द रेंज ऑटोमेटिकली. अगर बीच में मैं कोई ब्लैंक कर दूं, ये भी आपको इंदु जी ने शायद बताया था. शायद नहीं, हाँ बताया था कि अगर मैं सम ऐसे करती हूँ टेबल में, देखो इट इज सिलेक्टिंग द होल रेंज बिकॉज इट्स अ टेबल फॉर्मेटिंग. So table formatting में the whole table goes together. But अगर आपका table नहीं है, अगर मेरा ऐसे ही है, ठीक है, और अगर मुझे sum करना है, जैसे यहाँ पे आ गया दूसरा, अगर मैं यहाँ पे sum करती हूँ auto sum, तो it will only pick up that much, only that much, won't be that much. Where यहाँ पे मैंने जो लगाया, it has picked up the whole range. Because it's a table. Table is like a package. Comes together. Together. और एक ही एक्सेल शीट में आपको कई टेबल्स बना सकते हैं. एक सेल्स का टेबल, एक प्रॉफिट का टेबल, एक प्रोडक्ट्स का टेबल, वैसा बना सकते हैं. गीता जी आपका क्वेश्चन है क्या? आप हाथ ऊपर उठाए. नहीं वो होमवर्क का, जिसने पूछा ना तब से गीता ने हाथ ऊपर किए हुए. हम समझ गए गीता. Tell me to put my hands down इसके लिए. चलो I'm giving it to इंदु जी now. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो फिर से पूछ लो, और आगे का होमवर्क डोंट एक्सपेक्ट द इजियर वन. हाँ मुझे जितनी गालियां देनी है दे दो. थैंक यू क्रीना फॉर योर टाइम, बट आगे का थोड़ा सा इजी कर दो यार. मैं राइटिंग में थोड़ा ध्यान रखूंगी कि ऑडियंस को समझ में आए. हम नेक्स्ट वीक भी मिलेंगे ना होमवर्क चेक करने के लिए एंड क्वेश्चन आंसर सेशंस. मिल सकते हैं. हाँ यार, दिस इज द लास्ट वीक. यस या दिस इज द लास्ट वीक, बट वी वांट ऑल ऑफ यू टू लर्न इट प्रॉपरली. So we don't mind. एक वीक लगता है, दो वीक लगता है. We want you to be perfect. तो नेक्स्ट के लिए अभी होमवर्क जब क्रीना देगी, हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे और उसमें हम होमवर्क चेक करेंगे, एंड उसके बाद में कोई क्वेश्चन आंसर से क्वेरीज है, देन इंदु एंड क्रीना दे कैन हेल्प विद दोस क्वेरीज. दैट वुड बी ग्रेट ज्योति दी, अगर वो होमवर्क का भी सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा ना. हाँ हाँ होगा. Yeah, over to you, Hindu. हाँ हाँ okay. मैं share कर रही हूँ.
शेयरिंग लाइसेंस. ओके, व्हाट वी लर्न टुडे इज दीज वंस. What paste special does, go to options, conditional formatting, group or ungroup, and how to subtotal and templates. Okay, let's go to, I have a sheet, main last week ka ye Krina jo use kar rahi thi, wo plain mein without any table, I'm using that. इसका मतलब है इंदु जी ने होमवर्क नहीं किया. नहीं, मैं कॉपी पेस्ट वो की मैंने. मस्ती करी यार. एनीवे आई डिडंट इवन सी व्हाट द होमवर्क इज, सो डोंट वरी. हम टीचर को फॉलो करेंगे देन. ओके, सो श्री श्री नेक्स्ट क्लास तुम लोगी, टीचर को फॉलो करोगी ना, नेक्स्ट वीक क्लास श्री लेगी. हाँ, होमवर्क टीचर होमवर्क नहीं करेगी ना, तो भी फॉलो करेंगे. और दूसरों को हेल्प करेगी, क्वेरीज जो उनकी है उनको क्लियर करने में श्री हेल्प करेगी नेक्स्ट वीक. थैंक यू श्री. कोई बात नहीं, कोशिश जरूर करेंगे. Okay, so first thing is pay special ka, what are the options we'll see. So how do we now I'm going to ask a few questions, anyone can answer. How do we copy and paste? For example, I want right click on a cell. Yeah, or you right, can even go on to pop. Okay, I want to copy this. How do we do that? We'll select the range. We'll right click on it. Yeah. There's a copy option. Yeah. And then? Then we have to select the cell where we want to paste it. Cell where we want to paste it. Yeah. Let's say. Then right click again. Yeah. Right click again. Paste. Right click. Paste. Okay. So paste. Okay, now we just learned this, right? Now what we'll do is we'll learn some paste special options. Okay, so let's say I want to paste. Okay, here let's say I have a formula. Concatenate. ये फॉर्मूला है. कंकैटिनेट, आई एम कंकैटिनेटिंग ऑर्डर नंबर कॉमा विथ स्पेस कॉमा एंड आइटम. ओके, एंड देन पेस्टिंग इट, एंड आई हैव अ कॉलम लाइक दिस. दिस इज द मर्ज्ड कॉलम. And I want to copy and paste this into a, only these part, into a new window, new sheet. So I'm creating a new, first I'm copying it. So main copy kar rahi hu, right click karke copy. That doesn't change. And if I want to copy and paste here, if I just copy and paste here, what is happening here is, can you notice something? What did you notice? What is the difference between? The column is not there. Merged column. Yeah. The formula has two columns and this has only one column. Yeah, this has only one column. Okay, so what I can do alternatively is, it is still copied. I can say undo here. Undo is takes it off. Yeah, undo takes it off, still copy is there, because how I can say copy is there, because it is highlighted and that that what is it called, line, a ring, yeah green, line green cursor carry, is there, green, blinking cursor. Green blinking, yeah. So now let's go here and I want to paste it here.
So there is an option called paste special. You can either click here and then drop down may paste special, or you can get the option even from the right click. Right click, see paste special. So when you click on paste special, there are a lot of options. So what we'll do is we will learn some paste special options. First thing is, if you have formulas and if you want to paste only formulas, then you can just say paste and formulas. Let's see what happens. So this paste the formulas. This is normal copy and paste. Okay, now I don't want that. I already showed you that, because that's the normal thing that happens when you do the paste. I'm doing a control Z, and again I'm going to go paste special. And if you paste values, what do you think it will happen? I'm just going only to the paste. Numbers will come. It will take the complete range. Yes, not so much complete range. Yeah, but see complete details. We have selected. Whatever we have selected this whole thing. So because earlier it pasted the formula, the dishwasher, grinder, this column details didn't come, because that column we didn't copy. Now, because we asked it to paste only the values, so it pasted the values. But if we had something else here, it wouldn't. So we just, if we want to use that same formula, reuse that same formula, we have to again type that formula. So that is copy, that is paste values. Okay. You don't want me to help, even though I'm way better than these. I will just, so that is paste special formulas. So that is paste special values. Now what we want to do is, we want to, this column, we want that in a, this is in a column, right? We want that in a row. So how do we do that? I'm just going to copy that particular column. Copy, that doesn't change. And I'm going to come here, and I want these ones in here. Oh, let me copy the, let me copy this. Just not the date, but order number. And then I want to copy that into this, like a one single row. So I want it as a header. So what I'm going to do is, I'm going to again, I copied. Now paste special again. And you can say all, because it just has values, so not a problem. No formulas or anything like that. But there is something called transpose. What does transpose mean is, whatever is there vertically, it will go horizontally. If there is horizontal, it will transform it to vertical. Oh, okay. So I will click that, and then nice. So that way it transposes. So just remember that transpose does that. And if we do the same control C, and then right click in the same place, and then paste special, again transpose. You have to select this different. So I'll just select it different, and then paste special, transpose. Fir se aa gayi. Theek hai? So that is transpose. Now, let's do some add. Let's say we have, I'm just going to, let's say I have these columns. And I'm just creating some data. And I'll select these two, copy. And I'll say paste special again. And I'll say add.
ऐड आ रही है. ओके Did I say add? Yeah, add. So it added 2 plus 2 and then 5 plus 5. Like that. So oh. Pay special and add. Okay, add 2. Like that. Okay, so the first 2 is gone into double and 5 is gone into double in the next cell. Yeah. Okay, so... like that you can multiply as well. So let's go here, control C and paste special multiply. There should be some. Okay, let's now do it again. There should be some value. Multiply is not working. Why? That's what I'm having a look. Just give me a minute. Let's try this. A special multiply. Can I suggest something? I think we can. Okay, so if we do this, control C and then paste special multiply. Yeah. So what you need to do is, I think you need to already have a number. That's when it will multiply with that. So if I do this. Okay, okay. So zero won't work. Yeah, if you don't have, it won't work. Multiply. Who was trying to talk? I was trying to say something. Yeah. Do you want to say? Yeah, you can say. No problem. No, that's fine. I thought I can suggest, but that. Yeah, you can suggest. Okay, so that is multiply. So same way, you can say subtract. So for example, I'm just going to say it is already copied. And then right click, paste special. Subtract. So what is there? 5 minus 4. I think it should be 1 and 2. Got it? Samajh mein aaya? Okay. So like that. You can nahi samjha. Nahi samjha. Okay. Control Z. See, the original value is 5 and 6. And you may be having a requirement where you want to minus 4 from all these data. So you can copy that 4 and then paste special here in that range, in this whole range, and say subtract. Achha, matlab aap ek number mein se common number minus kar rahe ho. Oh, haan, I see. Yes. Okay, abhi samjha. Theek hai, theek hai. So har number mein se 4 minus 4. Yes. Yeah, minus 4. Okay. So that is how we can do add, subtract. Samajh mein aaya na? So add, subtract, multiply and divide. You can do that. So can we do it for the entire cell, entire column? I mean, yeah, entire column. So see, if I do here, this is already selected. So I am just going to
do a pay special and then say, what do we want to do? Let's say subtract, because this is more, right? So subtract and okay. So it has subtracted 4 from everywhere. 32 minus 4 and 12 minus 4, 16 minus 4, ho gaya. Just do the multiply, Induji. Okay. Multiply by 4. Okay. Pay special. Multiply. Okay. Samajh mein aaya? Any questions? Yeah. Okay, so pay special samajh mein aaya, so that what we have used most of it. We have learned these ones, transpose and formulas and values. Most of the times we use, formulas, values, sometimes formats as well. Formats, if agar date format hai toh, we can use the formats. Sometimes you might want to just use formats and not values and formulas. So for example, if I say this one, I'm just going to say highlight this one. And what I want is I'm going to copy this one. And I'll say pay special only format. See, it didn't copy the values, but it just copied the color, format, only the format. So most probably you use formulas, values and formats, and also transpose, not so much add, subtract as well. So any questions on pay special before we move on to the next topic? फॉर्मूला और वैल्यू एक बार बता दीजिए इंदु जी दोबारा प्लीज. ओके, सो लेट्स से आई एम, बिकॉज़ देयर इज अ फॉर्मूला हियर, ओके, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस वन एंड एक और शीट में, ब्रांड न्यू शीट में आई एम कॉपीइंग इट. बाय डिफॉल्ट इट कॉपीज द फॉर्मूलास. ओके, if I say pay special and formulas also, the same result, we are going to get the same result because that's what it does. And values may, if I say this is already copied, so if I go again into, let's say this note here, let's say new sheet, pay special, I'll just say values. Values may yahan aaye to, there won't be formula, but it will copy the values, copy and paste the values. Samajh mein aaya? हाँ, तो लेकिन हम लोग मतलब फिर जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो कैन मतलब हम अगर दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमको कॉपी वैल्यू भी करना है और फॉर्मूला भी करना है, तो होता है कि नहीं, मतलब के फिर ऐसे होता है मल्टीपल? या बाय डिफॉल्ट पहले हम विदाउट पे स्पेशल करें तो इफ देर आर फॉर्मूलास ऑटोमेटिकली फॉर्मूलास आते हैं, बट इफ यू डोंट वांट द फॉर्मूलास, इफ यू जस्ट वांट वैल्यूज, सम एग्जांपल्स विल बी आप फॉर एग्जांपल यू जस्ट वांट टू शो दीज वंस, यू डोंट वांट टू शो दिस वैल्यूज. सो यहाँ आपका फॉर्मूला ये सेल को रेफर कर रही है ना, बट यू डोंट वॉन्ट टू शो दिस इन अ शीट, देन वॉट यू डू इज इन दैट सिनारियो यू कैन गो एंड पेस्ट वैल्यूज. ठीक है, समझ में आया? नो, कैन वी गेट फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज टुगेदर? फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज टुगेदर नो, बिकॉज in this case no, because there is nothing here, we are not copying this here. If you want to get formula and values together, then you need to include the formula cells as well in your copy. So copy kare and paste it, and if you paste special now here, paste special, if you just say formulas, it will work because you included the
cells that are in the formula. Oh, okay. Got it? Okay. That way you will get the values as well. Everything, if we select everything that are linked to formula, then everything comes up same time. Yes. Okay. Okay. Any questions? वो जब टीचर होमवर्क देगी तब आएगा. हाँ, सच्ची बात. किसने बोला? So many questions. Okay. अभी तो लगता है समझ नहीं. समझ गया लेकिन. हाँ, then many questions. Okay. इसके लिए साथ में थ्योरी देखो ना, उसको भी पढ़ा करो. तब निकलेगा पसीना. क्या? क्योंकि वो बड़े ट्रिकी तरह से लिखती है. पढ़ा करो. टीचर ट्रिकी तरह से लिखती है. कंफ्यूजन. टीचर जंतर मंतर कर रही है हमारे साथ. नेक्स्ट होमवर्क गुजराती में आएगा. गुजराती में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. I'm so excited. Okay, so now next one is go to options. Okay, so for that, two options come. Go to. See here in the home ribbon, there is something called go to. So, for example, if you want to go to a cell, let's say I want to go to A19. So I'll just say reference A19. So if you say that, see my cursor moved from there to here. Yahan to we don't have that much data. So if I say go to, let's say, what is it? C11. No, I'll say C111. Okay. Oh. So it will take me to the cell that is referenced by C11. Okay, so that is go to reference. And if we, where do we get this go to again? Sorry. Yeah, for the shortcut for this one is Control G. And you will find it in here. In the find and select, there is a go to. And that is go to a cell reference. And there is something called go to special. Okay. So if you have any formulas, you can go to formulas. You can have any, if you have any constants, you can see, you can go to constant. If you have any notes, you can go to notes. So for example, if I say go to last cell, okay? So it's going to last cell. Last cell means wherever the data is. Wherever the last data is. So if I go here, see, it took me there, okay? And if you go to row different. I think most of the times it will be last cell. We don't have any conditional formatting yet, so once we add the conditional formatting, then we can say conditional formatting. Okay, so now that is go to, and the shortcut for go to is Control G. If we press Control G, then you will go to the go to options, the cell reference one. Let me ask Indu. Huh. Yeah, just give me a minute. Indu. Hello, Indu. Yeah. Hetal is trying to log in for very long, lekin uska ho nahi raha. Same link usko bheja hai, but she is saying ki link is not working. Not sure. So band to nahi hua na entry kuch aisa nahi isme? No. Nahi. Hetal, try again.
ट्राई अगेन, आस्क टू ट्राई अगेन, ब्राउजर से ट्राई करने के लिए बोलिए. हाँ ब्राउजर से ट्राई, ब्राउजर से करा. अच्छा ईमेल से, नॉट फ्रॉम ईमेल, ब्राउजर में ले जाऊं उसको? नहीं नहीं, ईमेल में व्हेन यू ट्राई टू लॉग, जस्ट लॉग इन, क्लिक ऑन दैट लिंक, इट विल गिव यू ऑप्शंस. तो कंटिन्यू ब्राउजर. वी कुड नॉट कनेक्ट यू टू द मीटिंग, ऐसा आ रहा है यही मैसेज, सेम मैसेज ही. वी कुड नॉट कनेक्ट यू टू द मीटिंग, खोला ओपन इन ब्राउजर, इन द मीटिंग, यस वी कुड नॉट कनेक्ट यू टू द मीटिंग, सेम मैसेज. ब्राउजर, ब्राउजर में भी ऐसा ही आ रहा है. हाँ सेम मैसेज. डू यू हैव लैपटॉप हेतल? डू यू हैव लैपटॉप? कैन यू ट्राई ऑन लैपटॉप? चलो इंदु यू कंटिन्यू विद क्लास, आई विल सी ओके इफ शी कैन लॉग इन. ठीक है ओके ओके. सो कंट्रोल जी इज द शॉर्टकट फॉर फॉर गो टू. ओके सो नाउ let's go to conditional formatting. Conditional formatting is in the home ribbon. So let's say we want to, most of the time conditional formatting that I use is for finding out duplicates. So this column will have some duplicates, right? So yeah. What we'll do is we want to highlight the duplicates, so select that column and go to conditional formatting, and there is something called highlight cell rules. So highlight cell rules mein jaake there is duplicate values. Okay, so you can highlight that, give any color. At the moment by default it is this light red fill with dark red text, that is what it is. You can change that to whatever, or even custom format. Let's say yellow fill with, you can change that. So that means these are all duplicates. So everything is duplicate except microwave and VCR. Yeah. Okay, so that's how you highlight the duplicates. Now, for example, I'm highlighting, let's say we have some numbers. Creating some numbers. I don't want to fill the series. A450 and 280,000. Yeah, let's say I'm just creating some numbers. Okay, so now this is, now what you can do is conditional formatting again, highlight cell rules. See, these are greater than, less than, between. So what you can do is, if it is greater than let's say 10,000, or maybe let's say 7,000, highlight in red. Okay, you can do that. So that means it is highlighting all those that are greater than 7,000. Similarly, you can use the red pattern. Now I'm going to paste special only values. Okay, see this, now it is useful. Now I want to say less than 1,000, I'll say. See, that is utilizing that. That way you can seek greater than, less than. You can say in between as well, or equal to. Let's try. But where this. Is it giving the column to put the number, 1,000 or something? Kaha pe wo? Yeah. Aap kaha likh rahe ho, less than 1,000. Oh, so okay, you can't see that. Okay. Let me reshare my screen then. Okay, can you see that?
What? Okay. So now I'm okay. You can see the numbers. Now what I'll do is I'll go to conditional formatting and highlight cell rules greater than. Okay. And when I say greater than, this is where it is. Now we can see. Okay. Okay. Sorry. I was thinking it's too much magic in Excel. Everything is like... Okay, so Excel, similarly... He's Excel magician. Similarly... So similarly, less than, okay? Same thing, number here. ये मैजिक तो सिर्फ बिगिनर्स कोर्स है अभी जब एडवांस में जाओगे तब मैजिक पता चलेगा डराओ मत यार डराओ मत बच्चों को डरा रही हो डरा नहीं रही हूँ मैं मैजिक शो के लिए आपको इनवाइट कर रही हूँ कैसे बच्चे क्या क्या कर माय गॉड सो सिमिलरली यू कैन गिव 3000 एंड 5000 okay, somebody came. 5,000. And okay. Give me a minute. Yeah, it's all. Everyone is there. So, yeah. Okay, so in between. Now this is, because we did it in the same column, it is having two rules now. Okay, so I'll just paste special again. And only values. If we do the highlighting between 1,000 and 3,000, see it is going to give you that one. Okay. So you can use the like that. You can try out equal to and text that contains. Let's say I'm going to highlight this one. And then say text that contains TV. Okay. So this is conditional formatting for highlight. So basically this is locating. Yeah. Now, let's say I'm going to copy again. Paste special values. Now I'm going to select everything and then say highlight top 10 items. So it's top 10 items. You mean top 10 cells? Wait, hold on. I'm going to copy this one into another one just to special. Paste special values. Okay. Now you can go top 10. Items format cells that rank in the top 10. Okay. So, that rank in the top 10. So I think because this is a now and then it is not sorted, it is coming and then okay. So that is top 10. Similarly, you can do bottom 10 as well. So I can say clear rules here from the selected cells so that top 10 rules will go and then we'll go and highlight the bottom 10. Bottom 10 items, and you can also do the bottom 10 percentage. So these are the bottom 10. Okay, so... yeah, I think that's wo kafi hai conditional formatting mein. Highlighting is the main thing. Now what we'll do is the last part of the thing today is templates.
So you can save a Excel file into a template. So you can save. How do we save that? So just go file and save as. And here you will have Excel template. See, Excel template. And I'm going to name this as EX. And I'm saving it in, I don't want to save it there, but I'm going to save it in documents. Okay, that is how you can save the template. And that is how you can save the template. And once you, this is now is a template. Once you save the template, you can open the template. When you open the template, what happens is it won't be a template anymore. It will just, you can start using it as a new Excel file. How we will see that. So I'm going to close that. Close this one. And I'm going to copy, find that template in documents. See, this is the template. If I open that, it will open a new Excel file, but uses that template's settings. So whatever you have saved in that template is already available, and then you can start using that. As a template. So for example, if you have some kind of a, this is not a best example, but if you have some kind of a format, like for example, this one, if and you want to reuse this, you can just have this particular format table as a template. Start typing your own data. So that's when we can use the Excel templates. Most of the time it is not used, but yeah, it is a simple way to use the use Excel templates. So any questions for so far? What is the difference between saving template? Why means what is the use? Like, can we not copy paste? Yeah, you can copy paste, but copy paste. If, for example, if you have too many sheets, and if you copy paste karne ka time lagta hai na? Yeah, so and that's why you can just save as a template and then you can use that. Okay. And find karna padega na? Copy paste mein, then we have to find which one we want to copy, and then that's thoda time. Thoda time lagta hai. Yeah, and thoda automation kar rahe hai hum. Thoda is template save karke. Okay. एक ऐसा एग्जांपल, अगर आपको टेम्पलेट में, अगर आप भी कोई बिजनेस करते हो, इनवॉइस बनाना है, आप उसका फॉर्मेट बना के रख दो, तो आपको वो टेम्पलेट की जैसे सेव करोगे, हर बार आपको उसको ओपन करके यू कैन क्रिएट योर न्यू इनवॉइस, फॉर्मेटिंग विल रिमेन द सेम. सेम, ओके, ठीक है, थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चंस? Yeah, I think these are the ones that we have. Why does it have to be on Teams? You can just do it on Zoom until we ask. I think that concludes our session. Reena ji, you can start your homework. Ka. सबको वीडियो ऑन करना चाहिए. होमवर्क के नाम पर कैसे दिख रहे हैं? सबसे पहले मुझे देखो. तुम्हें देखकर ही बोल रही हूँ श्री.
मुझे भी देखो जो जो घबराए हुए हैं वो लोग अपने वीडियो ऑन करें। सबने वीडियो बंद कर दिया। मैं एक चीज हमेशा फिर से एम्फसाइज करती हूँ कि दो घंटे के क्लास में हम लोग सब कुछ नहीं सिखा सकते, इसीलिए मैं थियरी पार्ट रखती हूँ आगे, आप उसको भी थोड़ा पढ़ो तो ज्यादा आइडिया आएगा। Any questions? Thank you, Indu ji and Kareena ji. Thank you, Indu ji and Kareena. No, I am not Kareena. Kareena, my question is for you. इरशाद आप ऑनलाइन बाल नहीं काट सकते क्या? मुश्किल है। गुड क्वेश्चन है। किसने पूछा ये सवाल? ऐसे नहीं पूछना, इसका आइडिया मैं देती हूँ। एक्सेल में ऐसे कुछ नहीं है, फ्रॉम अपने काटा वहां से वो अपने काटेंगे। फिर आप बोलो यहाँ से ये बाल पकड़ो उसको ऐसे काटो, यहाँ से ये बाल पकड़ो उसको ऐसे। अरे यार सुनो, अगर मैं ऐसे कर पाती तो आज मैं एक्सेल क्लास में थोड़ी बैठती, मेरे पास एक मिनट का टाइम नहीं होता था। देखा, ऐसे नहीं कर पाने का भी फायदा देख ले। रात को 12 बजे से लाइन लग जाती, लेवल 3 होते ही लाइन लग जाती। इधर मेरे को सोनिका भी अगर ऑनलाइन में केक बना के खिला सकती ना, तो असल है उसको और मेरे को एक सेकंड का टाइम नहीं। मैं तो बना सकती हूँ, खिला सकती हूँ, खाना पड़ेगा भाई, वो आप सोचो कैसे खाओगे। वो भी आएगा ना शायद जमाना, क्या पता, who knows. I know, but already I'm getting calls level 3 में can we come, I said no, please follow the rules. बढ़ाओ कोई बात नहीं। Nice. Indu ji, just one question. जो हम पेस्ट के बाजू में एक ब्रश करके एक आइकन आपने देख होता है ना, व्हाट इज दैट? दैट इज पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेस्टिंग ऐसा कुछ होता है ना? या इट्स अ फॉर्मेट पेंटर, इट्स अ फॉर्मेट पेंटर, सो इट जस्ट इट कॉपीज द फॉर्मेट ऑफ व्हाटएवर यू आर कॉपीइंग एंड देन पेस्ट ओनली द फॉर्मेट। एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू डू द होमवर्क क्रीना जी, मैं वो ट्राई कर रही थी, आई वाज ट्राइंग टू डू द होमवर्क बट हो नहीं पा रहा था, तो आई स्टिल वाज कंफ्यूज, आई वाज लाइक एक मैं आपको कंफर्म कर लेती हूं। या इट इज, इट जस्ट कॉपीज द फॉर्मेट, ओनली द फॉर्मेट, सो हाईलाइट करे तो ओनली द फॉर्मेट इट कॉपीज। या अच्छा, सोना आस्क्ड क्वेश्चन, आई एम अनफॉर्चूनेटली आई कुडंट अंडरस्टैंड, आई थॉट आई अंडरस्टूड बट नो, what is the difference between copying it and pasting it in another page and copying it as a template and pasting, kya farak kya hai? Nahin, copying it in as a template you don't paste, it just opens as new and then see save as template, it is you save as a template. I'm sharing again, okay? So हम लोग फिर सेव एज करके नहीं रख सकते, मतलब सेव एज करके रखेंगे तो भी वो टेम्पलेट तो सेव ही एज अनदर फाइल नहीं होगा क्या? जैसे अगर हम, जैसे आप बोले कि सेव एज अ टेम्पलेट, तो मे बी अगर मैं उसके अंदर की जो फाइल कॉपी